गैस, अगर आप लोगों का यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो गया है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सूर्य आप लोगों को वही बताऊंगा, और कैसे वापस आएगा, कब वापस आएगा, क्या करना है नहीं करना है सूर्य आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना है। अगर आप लोग चाहते हो भाई कि मेरा यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो गया, इस तरह से प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, इस तरह का मेल आया है, लेकिन हम लोग का यूट्यूब चैनल रिकवर नहीं हो रहा है, कैसे वापस लाना है, क्या क्या आपको करना है नहीं करना है, सारा प्रोसेस आप लोग बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोग सीख पाएंगे एंड समझ पाएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कि अगर आप लोगों का YouTube चैनल गलती से डिलीट हो गया, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो भाई मेरा YouTube चैनल गलती से डिलीट हो गया, कैसे उसे वापस लाएं, ठीक है, अगर आप लोग गलती से खुद से डिलीट करते हो ना, तो उस कंडीशन आप वापस ला सकते हो। वापस लाने के दो तरीके होते हैं, जो कि पहले जो है, आप अगर आपका ब्रांड अकाउंट है तो आप YouTube पे मतलब क्रोम ब्राउज़र पे जाकर YouTube ब्रांड अकाउंट लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करने बाद पहला वेबसाइट आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा, फिर मतलब यहाँ पे आपको रिकवरी का मतलब बहुत सारा आपको ऑप्शन वहां पर मिल जाएगा, तो वहां से आप रिकवर कर सकते हो ब्रांड अकाउंट, इसी तरह से वापस कर सकते हो। डिलीट अकाउंट में जाओगे तो वहां पर डिलीट वाला वहां पर आपका स्टोर रहेगा, वहां से रिकवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो भाई कि मतलब यहां पे पहला स्टेप आपका मतलब पहला स्टेप ये हो गया, अगर ब्रांड अकाउंट है तो आप इजी तरह से वापस ला सकते हो। ब्रांड डिलीट ब्रांड अकाउंट को मतलब कैसे रिकवर करते हैं, YouTube पे जाकर सर्च करना, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख के आप चैनल रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल अकाउंट है वहां पे डिलीट कर दियो, परमानेंटली डिलीट कर दियो, उस कंडीशन आप कैसे वापस लाओगे, तो भाई यहां पे दो तरीका उसका भी है, नॉर्मल अकाउंट का भी दो तरीका है। पहला कि आप YouTube को ट्वीट कर सकते हो, दूसरा है कि किसी आप यूट्यूबर से हेल्प ले सकते हो, जिसका मतलब चैनल मोनेटाइज है उससे आप हेल्प लेके उसका YouTube चैनल को रिकवर करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। तो अगर आप लोग रिकवर करना चाहते हो तो दोस्तों मेरे को Instagram पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए पूरा हेल्प करूंगा। अगर आप लोग खुद से गलती से डिलीट किया हो तो आपका YouTube चैनल मैं वापस ला दूंगा, ठीक है। तो बात करें यहां पे गलती से डिलीट चैनल हम लोग वापस लाने के लिए सीख गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों का चैनल डिलीट हुआ है तो आप YouTube को ट्वीट कीजिए, रिप्लाई मिलता है तो वहां से चैनल रिकवर हो जाएगा, नहीं मिलता है तो आप मेरे को Instagram पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। Instagram पे मैसेज कीजिएगा क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत बड़ा है, तो आप लोग Instagram पे मैसेज कर लेना, वहां पे मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। Instagram का आईडी मेरा रामप्रकाश ब्लॉग 1 है, तो आप लोग जाकर फॉलो करके मैसेज करना, ठीक है। और बात करें यहाँ पे चैनल सस्पेंड हो गया है, तो सस्पेंड चैनल मतलब कि चैनल जो होता है सस्पेंड मतलब होता है हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट यहाँ पे होता है जो चैनल वो हमेशा के लिए YouTube सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड क्यों करता है, अगर आप लोग YouTube का पॉलिसी के खिलाफ कोई भी वीडियो बनाते हो, जैसे कि हैकिंग, हैरेसमेंट, बम ब्लास्ट या फिर कोई ऐसा वीडियो जो अफवाह का मतलब अफवाह फैलाते हो, मतलब फालतू का न्यूज डालते हो, यानी कि YouTube पे मतलब ऐसा कोई वीडियो डालते हो जो कि अफवाह फैला रहे हो, मतलब कोई फालतू ऐसा कुछ हुआ नहीं है वैसा कुछ आप डाल रहे हो, इस तरह का वीडियो डालते हो, या फिर मतलब कि कोई यहाँ पे मतलब COVID-19 का जो मतलब यहाँ पे आया हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पे एक पॉलिसी ऐड किया था, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा वीडियो नहीं डालता है। जो भी डालता है किसी मतलब कि किसी दूसरे बंदे का वीडियो यूज करता है, किसी बंदे का म्यूजिक यूज करता है, किसी बंदे का सॉन्ग यूज करता है, वही सब पे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप यूट्यूब का हैकिंग हरासमेंट में अगर वीडियो बनाते हो, जैसे कि ऐसा कोई वीडियो बनाते हो जिससे कि यूट्यूब पॉलिसी खिलाफ होता है, यानी कि यूट्यूब को नहीं लगता कि ये वीडियो सही है, तो उस कंडीशन आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर देगा। तो आपको ध्यान देना कि यूट्यूब पॉलिसी खिलाफ आपको ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाना है ताकि आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो, ठीक है। चाहे आपका 1000 सब्सक्राइबर, 500 है, फिर मिलियन में हो, फिर कुछ भी हो, आपका चैनल सस्पेंड कर देगा अगर YouTube पॉलिसी के खिलाफ अगर वीडियो बनाते हो तो आपको अगर YouTube चैनल स्टार्ट किए हो, स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको YouTube पॉलिसी को अच्छा तरह से समझ लेना है, उसके बाद ही आपको YouTube चैनल पे काम करना, नहीं तो भाई आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे हम लोग चैनल तो यहाँ पे समझ गए कि कैसे सस्पेंड होता है, बात करें कि वापस कैसे लाते हैं, तो वापस कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो वापस लाने के लिए आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप YouTube को अपील कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका YouTube चैनल आपको लगता है भाई मैंने गलती किया है, अगर आपको लगता है भाई मेरे को कुछ भी पता नहीं है मैंने गलती किया है या फिर नहीं किया है, तो आप YouTube को अपील कीजिए, ठीक है। YouTube को अपील करने के लिए यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा, बहुत सारा मेरा वीडियो है यहाँ पे जो कि मतलब मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो में डाल दिया हूँ भाई। बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई मेरा चैनल सस्पेंड हो गया है, टर्मिनेट हो गया, तो भाई वीडियो बना दो, वीडियो बना दो, तो इस तरह से मैंने बहुत वीडियो डाल दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो रामप्रकाश ब्लॉग, मेरा चैनल को सर्च करोगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, चैनल पे जाना है और यहाँ पे आपको आना है प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे व्यू सस्पेंड एंड डिलीट चैनल का, इस पे आपको आ जाना है। यहाँ पे बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा अपील कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जाकर वीडियो को देखो भाई, मतलब सस्पेंड यूट्यूब चैनल को अपील करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो यहाँ पे वीडियो देखकर आप जो है अपील कर सकते हो, ठीक है। अपील करने से वहाँ पे आपको कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है भाई मैंने गलती नहीं किया है तो YouTube को अपील कीजिए, आपका चैनल वापस आ जाएगा। और आप लोग लगता है मैंने भाई गलती किया है तो आपको यह करना है, 3 महीने के बाद आपको 1 से 2 बार अपील करना है। अपील करने के बाद जो है आपका वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपका यूट्यूब चैनल जिस टाइम आपका सस्पेंड होता है उसी टाइम आपको जो है नया चैनल बना के काम करना है, और नया चैनल बना के काम करना है, नया चैनल बना के वो वीडियो डालना है, क्योंकि भाई चैनल सस्पेंड होता है तो वापस नहीं आता है, वापस आना भी रहेगा तो 3 महीने
महीने के बाद ही वापस आएगा, 3.5 महीने के बाद ही वापस आएगा, क्योंकि मेरा भी चैनल यहाँ पे एक सस्पेंड हुआ था, जो कि चैनल का मैं नाम भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं चैनल का नाम भी दिखा दे रहा हूँ, चैनल भी दिखा रहा हूँ। मेरा चैनल गलती से मैंने खुद से सस्पेंड किया था, क्योंकि मैंने APL यहाँ पे लाइव चला दिया था, जिस कारण से चैनल सस्पेंड हो गया था, लेकिन 3.5 महीने के बाद मेरा चैनल यहाँ पे रिकवर हो गया था, ठीक है, ये जो चैनल था। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोला कि यहाँ पे चैनल अगर वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जिस टाइम मेरा चैनल सस्पेंड हुआ था, उस टाइम मैंने भी नया यूट्यूब पे चैनल पे, मतलब यूट्यूब पे काम कर रहा था, उस टाइम मैं बहुत सारे यूट्यूबर को मेल किया, मैसेज किया, सारा कुछ किया, तो सब लोग बोला भाई वापस नहीं आएगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, 3.5 महीने तक मैंने ट्राई किया, तो मेरा चैनल फाइनली वापस आ गया था, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुआ भाई, तो आप 3 महीने तक सर देखो, ट्राई करके आता है बढ़िया है, नहीं आता तो नया चैनल आपको काम करना है, क्योंकि इस चैनल के भरोसे आपको नहीं बैठा रहना, आपका चैनल वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई, अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।